वेलकम बैक जनाब, बहुत ही मोटिवेशनल किस्म की बातें जा रही हैं। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे कि इतनी परेशानियां क्यों हैं, परेशानियां होती हैं डेफिनेटली, लेकिन हमारे पर इतनी हावी क्यों होती हैं, इस पे तो डिस्कशन है। लेकिन आपके इर्द गिर्द का माहौल इस चीज़ में बहुत मैटर करता है, जैसे घर का माहौल हो, आपका सोशल सर्कल हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिल्कुल होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है परेशानियों के अंदर, ओवरथिंकिंग। हम ओवरथिंक इतना कर जाते हैं। थिंकिंग इज गुड बट एवरीथिंग एनीथिंग डन इन अबंडेंस एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, तो ओवरथिंकिंग जब हम करते हैं, और अक्सर लोग आपको मिलते हैं जो कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा सोच लिया होता है उसके बारे में कि वो उसके पॉजिटिव छोड़ के अब सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। और ये भी तो होता है जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है, फैक्टर होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि वैसे ही होता है, बट हम हर दफ़ा वैसा भी नहीं होता। कई दफ़ा होता है इस तरह से कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन हमने सोच इतना ज़्यादा लिया होता है। और सोच के ह्यूमन ब्रेन एक और काम ये करता है, इतना पावरफुल ऑर्गन है कि जब आप सोचते हैं ना, तो खुद से आप कहानियां घड़नी शुरू कर देते हैं, और जब वो कहानियां आप बना लेते हैं तो उनको आप जीना शुरू कर देते हैं। बेसिकली उस जीने की वजह से आपकी जिंदगी, इट टेक्स अ टोल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इतनी ज्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि आप कहते हैं यार मैं शायद इसी सिचुएशन के अंदर हूँ। कोई अगर लेट हो गया है और हम सोचते हैं यार, उस वक्त हमें अच्छा ख्याल नहीं आ रहा होता कि यार हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो, कोई डील फाइनलाइज कर रहा हो, कुछ हो, अच्छा अभी तक नहीं आया, मतलब एक सर्टन टाइम तक तो ठीक है, उसके बाद हम ऑटोमेटिकली हर गुजरते हुए लम्हे के साथ ना जो थॉट मैग्नीट्यूड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ओवरथिंकिंग, लोगों को समझने की जरूरत यह है कि ओवरथिंक करके मिलेगा कुछ नहीं। एक सर्टन अमाउंट ऑफ थिंकिंग इज फाइन, बट जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। और लोगों की जब आपने बात की, तो यही वो लोग होते हैं जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि दे आर गुड पीपल, दे आर पॉजिटिव एंड दे आर नेगेटिव पीपल। वो आपको एनर्जीज दे रहे होते हैं। नेगेटिव पीपल टेंड टू पुल डाउन योर एनर्जीज एंड पॉजिटिव पीपल सप्लीमेंट विद एनर्जी। और ये बहुत कम लोग होते हैं मेरे ख्याल से, आपके एक दो फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, वही आपको थोड़ा पुश, या फैमिली होती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं, आपने इंतखाब करना है। रिश्तेदारों का तो आपका मसला है कि वो आपके साथ बाय डिफॉल्ट हैं, लेकिन उसके बाद जो आपने लोगों की बात करनी है, और वो एक ऐसा आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए जो कि आपको अपलिफ्ट करता है, अपलिफ्ट करता है। वो आपके हाथ में ज़रूर है कि वो लोग आपके पास हैं, इनको आप पिक एंड चूज कर सकें। अगर आपको लगता है कि यार ये वो सोशल ग्रुप है मेरा जो कि मेरी एनर्जी पुल डाउन कर रहा है, तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई इंसान ऐसे ग्रुप में नहीं जाना चाहता जो कि उसको बुरा फील कराए और उसको थोड़ा डाउन भी करे। ठीक हो गया आलिया, अभी घर के माहौल की बात कर रहे थे, वो भी इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे जहां से आपने कहा कि ओवरऑल एक सेटअप पॉजिटिव होना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो घर का माहौल ही इफेक्ट करता है। अगर आपके घर में कोई इस तरह की बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, तो आप बिल्कुल अच्छे माहौल में आपकी ग्रोथ होती है और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की सूरत में माशरे के सामने आते हैं। लेकिन अगर आपको शुरू से ही इस तरह का माहौल मिले कि आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ हों या बहुत सारी इस तरह की बातें हों, तो डेफिनेटली बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत पीछे रह जाता है, और वो उसकी वो सारी सलाहियतें जो वो स्कूल में या घर में उसने अपने पेरेंट्स के सामने या अपने दोस्तों के सामने शो कर सकता है, वो नहीं करता, और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर घर का माहौल और माशरे में लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये भी आपके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। आप किसी जगह पर जाके बैठें, लोग आपके बारे में बात करते करते रुक जाएं, बंद कर दें, तो आप फौरन नेगेटिव थॉट्स, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव थॉट्स हमारे सबसे पहले हमारे ऊपर कि ये हमारे बारे में कोई बात कर रहे होंगे, इसी वजह से ये इन्होंने मेरे आते ही बात खत्म कर दी। और घर का माहौल ही जो होता है कि आपको इस चीज़ की जो है वो आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलता है कि आपने लोगों के साथ जाके कैसे। हाँ, ऑब्वियसली आपकी इनिशियल ट्रेनिंग तो आपके घर से ही होती है। और उसके लिए पेरेंट्स और बहन भाई, थैंक यू वेरी मच जहाँ से, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आलिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की जनाब, और आपको आज मोटिवेशन डेफिनेटली मिलेगी। आपने जो जो अभी बातें सुनी है, मैं भी मोटिवेटेड हूँ फॉर द टाइम बता रहे जनाब, इनका तो हम शुक्रिया अदा करें। लेकिन उसके साथ साथ लाहौर की हालात वाकयात की बात करते हैं, सभी लहसुन माजन मौजूद हैं, सभी चिकन के रेट्स की हम बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि चिकन आप बता रहे थे कुछ अप एंड डाउन चल रहा है और कुछ फ्लक्चुएशन है इनके रेट्स में, तो आज क्या सूरत हाल है चिकन की? इस वक्त हम घड़ी शाह में मौजूद हैं और चिकन के रेट्स के हवाले से हम बात करेंगे।
और आपको ये बताएंगे कि 170 रुपए का रेट है, जो कि गुज़श्ता रोज़ भी यही रेट था, उसी रेट पर आज भी बरकरार है, कोई चेंजेस नहीं देखी गई है रेट में। अलबत्ता जो हफ्ते के रोज़ जो रेट था वो 187 रुपए था, यानी कि कल जो है वो 10 रुपए की कमी हुई है। तो आज भी 170 रुपए का रेट जो है वो बरकरार है, यानी कि 177। और अगर खरीदारों की बात की जाए तो खरीदार थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि रेट जब अप होना शुरू हो जाता है तो खरीदार भी कम होता जाता है, इसके साथ साथ दुकानदार का जो मुनाफा है वो भी कम होता जाता है। दुकानदार भी साथ मौजूद हैं, इनसे हम तफसीली बात करते हैं। सर ये बताएं, दोबारा रेट अप होना शुरू हो गया है, 187 के बाद दोबारा 170 आ गया है, थोड़ा सा 10 रुपये कम तो हुआ है, लेकिन क्या रेट फ्लक्चुएट होगा आगे, कम मज़ीद आगे बढ़ने वाला या कम होने वाला है? रेट जी कम ही होगा, क्योंकि आगे तो हम बैठे हुए हैं, खरीदार ही कोई नहीं है, ना कोई कस्टमर आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास अभी जो है ना वही शीर का ही गोश्त पड़ा हुआ है कुर्बानियों का, तो वो ही वो खत्म होगा तो आगे मुर्गी। सर ये इतना गोश्त लोगों के पड़ा है कि मार्केट में मुर्गी की जो डिमांड, यानी कि चिकन ब्रॉयलर की डिमांड है वो कम हो गई, इतना गोश्त पड़ा हुआ लोगों के पास? जी अभी तो कल एक बंदा ले गया है, पूरा बकरे ले गया है, इसलिए जो ना वो मुर्गी कौन पूछेगा, रेट कम ही होगा। आज उम्मीद थी कम होने की, लेकिन आज कम नहीं रेट हुआ, हालांकि ये कुछ फार्मर इनकी अपनी भी मुनाफनी है जानबूझ के। आप ये समझ रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू है, कि इनके पास जो सप्लाई है वो इस वक्त ज्यादा हुई है जिसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई है? हाँ जी ये भी है ना, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, तो इसलिए आगे फिर कस्टमर भी होता है कि यार ये कम होगा तो हम फिर मुर्गी खाएंगे, वो भी फिर इसी सोच में बैठे रहते हैं, वो फिर आगे जारी बात है, हम भी दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं। अर्मिला जो सबसे मेन इशू देखा जा रहा है वो ये है, इशू तो नहीं है ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कस्टमर की तरफ से अगर देखा जाए तो रेट अप हो जाता है, वो ये वजह ये बताई जाती है कि जब जो चीज़ें हैं वो सप्लाई में ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में उसकी डिमांड कम रह जाए, तो वो इसी तरह जो दुकानदार हैं वो खाली बैठे रहते हैं और जो रेट है वो भी स्टेबल नहीं रहता, जो फ्लक्चुएशन है वो स्टेबल नहीं रहता और इसी तरह से मामला चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सबील हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी सभी ने तो आपको बता दिया चिकन रेट्स के हवाले से। जनाब हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें, सुबह हमने आपको मदरसे से भी बताया, अभी हम जरा आपको कुछ हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स जो हैं उसके लिए हमारे पास हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद होंगी। जनूबिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनूबिया सबसे पहले तो हेल्थ और फिटनेस कितनी ज्यादा जरूरी है? देखिए जो आजकल हमारे हालात चल रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके खाने के बाद आपकी हेल्थ एंड फिटनेस है, देन कुछ और चीज है, बाकी पहनना ओढ़ना और सब पीछे रहता है। अगर आप पतले होंगे फिट होंगे, देखिए आपको कपड़ा तभी सूट कर रहा है जब आप खुद फिट हैं। हाँ अच्छा, फिटनेस का मयार भी थोड़ा डिफरेंट है हमारे यहाँ, हम लोग समझते हैं जो बहुत लीन है ना वो बहुत फिट है, बहुत फिट है, और पता नहीं उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। पता क्या होता है, हमारे पास बाज दफा जिम में ऐसे लोग आते हैं, वो हमें कहते हैं कि जी हमें करीना की तरह, हमें उसकी तरह कर दें। देखिए वो मैटर नहीं करता, आप साइज जीरो होकर भी आपके अंदर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, मैटर करता है हाँ आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आप खुद कितना अच्छा दिख रहे हैं, तो ये मैटर ज्यादा करते हैं, मैटर ज्यादा करता है। हेल्थ और फिटनेस के लिए क्या क्या टिप्स आज आप हमें देने वाली हैं, क्योंकि हमारे देखने वालों को पता हो कि अच्छा ना फिट और हेल्दी होना किस तरह से जरूरी है और किस तरह हो सकते हैं। अच्छा अमला, ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग चीज़ें दी हैं, आपकी बॉडी टाइप और है, मेरी बॉडी टाइप और है, अगर आप किसी को देख के कहें जी मुझे इस जैसा होना है या ऐसा होना है, आपको क्योंकि अल्लाह मैंने बनाया ही है हर किसी से अलग है, तो अगर आप बजाय इसके कि हम किसी और को देखकर ये कहें कि जी हमें इस जैसा होना है, हम अपने आप को सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको अपने आप को समझना, अपनी बॉडी को समझना, अपनी बॉडी की नीड को समझना, अपनी डाइट को समझना, जब ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी ना आपके लिए आपकी बॉडी को चलाना बहुत आसान हो जाएगा, कि आपने किस टाइम पे ज्यादा खाना है, किस टाइम पे कम खाना है, किस तरीके से अपनी बॉडी को लेके चलना है। अच्छा दो चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी जो है ना फिटनेस में भी और आपकी हेल्थ में भी, एक नींद जिसको हम इग्नोर करते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। बिल्कुल, अच्छा आपने अक्सर रात में देखा होगा हम खुद कि आप जब रात में जाके लेटे हैं टाइम से, पर आपने मोबाइल यूज आपका या फिर लैपटॉप पे इतना ज्यादा इस्तेमाल है, वो आप अगर 12 बजे बेड पे गए हो तो आप सोते सोते 3 बज जाते हैं, देन आपने सुबह अर्ली आपका 9-10 बजे अगर आपने जिस तरह हम अपनी मिसाल है हमने सुबह जल्दी उठना है, तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो नंबर वन आपकी बॉडी 50-40% तो आप समझे वो वैसे इसी काम की है। दूसरा पानी, वो भी हम इग्नोर करते हैं बिल्कुल भी पानी। अच्छा कुछ खवातीन जैसे हम लोग जॉब करते हैं हम लोग कहते हैं जी अच्छा हम पानी ज्यादा पियेंगे, हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज। अच्छा शुरू के 3 दिन आपकी बॉडी पानी को एक्सेप्ट करने में इसको टाइम लगता है, आफ्टर 3 or 4 days आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, देन आप उस तरीके से वॉशरूम नहीं जाते। किसी भी चीज को अपने ऊपर करना, एक्सपेरिमेंट करना, 3 days आपकी बॉडी को लगते हैं एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करने में कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इवन आप मौसम बदल रहा हो तो उसकी बात करें, 3-4 दिन आपको लगते हैं उसमें एडजस्ट होने के। तो एक ये चीज बड़ी मैटर करती है। दूसरा हम लोगों का आजकल ज्यादा रुझान है जंक की तरफ, बहुत ज्यादा
देखें, मैं ये बिल्कुल नहीं कभी किसी को कहती कि आप जंक छोड़ दें, आप रोटी भी छोड़ दें, आप चावल भी छोड़ दें, क्यों क्यों छोड़ें। मैं हमेशा से कहती हूँ बैलेंस, इत्तेदाल। हाँ, किसी भी चीज़ में बैलेंस इतना ज़रूरी है कि अगर आप बैलेंस से अपनी बॉडी को लेके चले ना, तो आप दो रोटियां भी खा सकते हैं, आप पराठा भी खा सकते हैं। मैं खुद सुबह उठ के अगर पराठा खाती हूँ और उसके बावजूद पूरा दिन मुझे पता होता है मेरी डाइट क्या है, मैंने क्या करना है, तो हर चीज़ खाएं। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी इतने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं, सब खाएं, लेकिन उसको बैलेंस करके। अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया, आप ना थोड़ा सा लंच को हल्का कर लें। हाँ, जो रात का खाना है उसको आप बिल्कुल कम से कम, उसमें कार्ब्स और फैट्स इन चीज़ों को कम से कम रखें। अच्छा, फिटनेस के लिए हम कहते हैं ना नॉर्मली कि आप एक्सरसाइज करें, और फिजिकल एक्टिविटी भी हम करते ही नहीं है हमारी। आप समझते हैं हम घर में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम किचन में काम कर रहे हैं, घर में काम करें तो वो फिटनेस, वो फिटनेस नहीं है। वो आपको आपको फिजिकली और मेंटली आप रिलैक्स ही नहीं है। देखें, किसी भी चीज के लिए मैं ये नहीं कहती आप जिम जाएं, ठीक है, जिम अगर आप जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे आज अपने आप से प्रॉमिस करें मैंने आज शाम में 10 से 15 मिनट वॉक करना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे इस्लाम में भी चहलकदमी पे बड़ा होता है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आप पुशअप्स करें, आप एब्स करें, आप ये करें। हर जगह आप अगर हमारे इस्लाम को भी लेके चलें तो उसमें भी एक चीज होती है कि चहलकदमी वॉक। आज अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैंने आज 20 मिनट्स करना है, देन 25 मिनट्स, देन 30, इसको 1 आवर तक लेके जाएं। 5 मिनट करके बढ़ाते रहें। आपने बाजू कम करने हैं, वॉक कर लें। आपने पेट कम करने हैं, आप वॉक कर लें। आपने डबल चिन कम करनी है, आप वॉक कर लें। ट्रस्ट मी, एक हफ्ता मेरे कहने पर। खाना भी कम कर लें, खाने की बात करें। अच्छा जनाब, आप इस वे कह रही है कि बहुत सारे लोगों को ये भी इशू होता है कि वेट गेन कर लेते हैं और कुछ का होता है कि वेट गेन ही नहीं कर पाते, तो उनके लिए आज जवेरिया में क्या टिप्स देने वाली है, जवेरिया से जानते हैं। जी जवेरिया, आज हम बात करेंगे गजाइत और वेट गेन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत से वो लोग जिनको जो मेल नॉरिश्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ और मेल नॉरिशमेंट के साथ साथ जो आपका मतलब आपका जो एक्सेसिव वेट लूज है उसके, वो भी आपके लिए एक बीमारी का बायस बनता है। तो इसको बीइंग अ न्यूट्रिशियस डाइटिशियन, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये हम आज आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। तमाम वो बच्चे या लोग जिनके ग्रोथ के इश्यूज हैं, या जो लोग कॉग्निटिव और मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में उनकी स्लो डाउन है, तो उसमें जो खुराक जो कि आपको वेट गेन में हेल्प आउट करती है, नंबर वन पे हाई फाइबर फूड्स आते हैं। फाइबर फूड्स में हम ब्रेकफास्ट से चलते हैं, तो उसमें आप अपना यू कैन से कि आप उसमें ब्रेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में ऑट मील ऐड कर सकते हैं। ऑन द सेम टाइम इस पर गोल बहुत ज़बरदस्त है। एंड डोंट मतलब आप ये मत भूलें लेना ये जो आपके प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, यानी कि कॉर्न्स, बीन्स, ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल और ये तमाम चीज़ें। देखें कि आपकी बॉडी जब माइक्रो मिनरल डेफिशिएंट होती है तब भी आपकी बॉडी का वेट गेन होना स्टॉप डाउन हो जाता है। सो आपको उसकी बिहाइंड रीजंस पता होनी चाहिए, आपको अपने ब्लड लेवल और ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, सीबीसी लेवल आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका जिन लोगों का पीएच न्यूट्रलाइज नहीं रहता और बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपना वेट गेन मतलब वेट गेन करना उनका भी बहुत जरूरी होता है। पर समटाइम्स जब वेट गेन होना स्टॉप डाउन हो जाता है और ड्यूरिंग द एज ऑफ 14 to 20, जो 14 से 20 साल की एज होती है और उसमें बच्चों का बहुत इंस्टेंटली ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, उसमें नंबर वन चीज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल रोक देना चाहिए, क्योंकि वो आपको मोटापे की तरफ लेके जाते हैं, वो आपकी हेल्दी मतलब हेल्दी वेट गेन नहीं होता आपका। तो हेल्दी मसल वेट गेन के लिए जरूरी है कि मटन बॉर्न ब्रोथ लिया जाए, मटन बॉर्न ब्रोथ, और उसके साथ ही साथ आप जो मुरब्बे होते हैं जो कि ओल्ड एंशियंट पाकिस्तानी फूड में भी आते हैं, वो बच्चों को दिए जाए। एट द सेम टाइम जो पाउडर्ड प्रोसेस्ड और पैकेज्ड चीजें हैं उन चीजों से अवॉइड किया जाए, क्योंकि समटाइम्स वो भी आपकी ग्रोथ को स्टॉप डाउन करते हैं। और वो बड़े तमाम वो लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं और 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं और वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे हैं और उनका वेट एक्सेसिवली मतलब वो एक्सेसिव वेट लॉस का शिकार है इस टाइम और वो भी चाहते हैं उनका वेट गेन हो, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल जो है वो स्टॉप डाउन करें, और उसके बाद वो हेल्दी तरीके से अपना जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल रखते हुए, लाइक टू से दैट हाई ग्लाइसेमिक फूड जो कि जितना बारीक आटा होता है, वाइट आटा होता है, या वाइट जो है जितना वाइट फ्लावर है, वाइट राइस है, इन तमाम चीज़ों से परहेज करें। और ब्राउन जो ब्रांड्स हैं, यानी कि चौकर, जौकर दलिया और इस तरह के जो फाइब्रस फूड्स हैं, वो अपनी डाइट में ऐड करें, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच जवेरिया, आप हमें बता रही थी इतनी अच्छी अच्छी टिप्स। जनाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमें एक टैलेंट भी ज्वाइन करेगा और जनूबिया से भी हम अच्छी अच्छी टिप्स लेंगे कि आपने वेट गेन और वेट लॉस दोनों के लिए हम टिप्स लेने वाले। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जागो लाहौर।